यदि आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको MDRT की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक जानकारी दी जाएगी। MDRT होता क्या है, यह किस देश में स्थित है, यह संस्था, यह ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है और किस तरह से हर LIC एजेंट, हर इंश्योरेंस एडवाइजर इसको अचीव कर सकता है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही कुछ टेक्निक्स बताई जाएगी जिससे कि हर एजेंट, हर एडवाइज़र आसानी से इसको अचीव कर सके। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड आपके लिए एक कंप्लीट चैनल है, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए कंप्लीट चैनल है, क्योंकि इस पर टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ अपलोड की जाती है, जहां जिसके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। मोटिवेशनल वीडियोज़ अपलोड की जाती है जिससे कि एजेंट्स के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस ढंग से काम करेंगे इसकी जानकारी उसको प्राप्त होती है। साथ ही इस पर CLI से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती है, उसकी सीरीज स्टार्ट की गई है। IED के लेटेस्ट अपडेट्स को अपलोड की जाती है जिससे आप अवेयर हो सकें कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनका सही विश्लेषण किया जाता है, उनकी सटीक जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्लान डिटेल्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर ऑल का भी ऑप्शन है, जो आप सारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट चैनल है, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए एक कंप्लीट चैनल है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को भी आप ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। MDRT, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन डॉलर राउंड टेबल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है जो अमेरिका USA में स्थित है। यह पूरी दुनिया से उन इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इनवाइट करती है अपने यहाँ, अपने राउंड टेबल पर इनवाइट करती है उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, पूरी दुनिया से उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इनवाइट करती है जो एक निश्चित क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। पता है भारत में फाइनेंशियर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होती है, लेकिन USA में फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है। तो MDRT की भी क्राइटेरिया आपको अमेरिकन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही फुलफिल करनी होती है। अमेरिकन फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है, जितनी टारगेट वो देते हैं उस टारगेट को फुलफिल करनी होती है, तभी आप MDRT अचीव करेंगे और आप वहाँ के लिए इन्विटेशन प्राप्त करेंगे और फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसको अचीव करने के लिए इसके वेबसाइट से हर साल आपको देखना पड़ता है कि आप इस साल के लिए कितनी टारगेट दी गई है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना प्रीमियम करना होगा या कितना कमीशन अर्न करना होगा जिससे कि इस टारगेट को फुलफिल किया जा सके। हर साल के लिए इसकी टारगेट निश्चित की जाती है और वेबसाइट पर इसके टारगेट को अपलोड की जाती है। कोरोना आने से पहले इसकी टारगेट 9,34,000 थी, लेकिन कोरोना के समय इसको घटा दिया गया और इसको 7,34,000 कर दिया गया, 7,34,200 कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती गई और इस साल जो मैंने वेबसाइट से निकाली है, इस साल की जो टारगेट दी गई है वो 8,75,500 रुपये है। ये कमीशन है, इतना कमीशन अर्न करना होगा। और अगर आप प्रीमियम बेस पे करना चाहते हैं तो 35,02,000 रुपये प्रीमियम कंप्लीट करने होंगे जिससे कि आप MDRT अचीव कर सकें, जो इस साल के MDRT के लिए वेबसाइट पर दी गई है। यानी कि ये टारगेट आप इस साल फुलफिल करेंगे, 2023 में फुलफिल करेंगे, तो आप MDRT 2024 कहलाएंगे। यानी कि जो 2022 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कंप्लीट करते हैं वो MDRT 2023 कहलाया, जो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वो MDRT 2024 कहलाएंगे। तो इस तरह से MDRT की टारगेट को अचीव करने के बाद MDRT की सर्टिफिकेशन होती है। अब MDRT का जो टारगेट होता है, जस्ट उसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी टारगेट COT अचीव करने के लिए होती है, और उसका अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, जो MDRT की टारगेट है, यदि आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें यानी उसका 6 गुना, वो TOT की टारगेट होती है। तो आप COT और TOT किस तरह से अचीव करेंगे वो इजीली आप समझ गए। COT के लिए 3 गुना और TOT के लिए 6 गुना, जो MDRT की टारगेट होती है हर साल, उसी के हिसाब से आप उसको 3 या 6 से मल्टीप्लाई करके आप COT और TOT की टारगेट निकाल सकते हैं। अब यदि आप MDRT अचीव कर लेते हैं तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, आप अपने ब्रांच में भी एक ब्रांड वैल्यू बनती है आपकी, आपके डिवीज़न में भी आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है और आपके इलाके में भी आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है। क्योंकि जब आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाएंगे MDRT फ्रॉम USA, MDRT USA का जब एक विजिटिंग कार्ड बनाएंगे और जब लोगों के पास आप इंश्योरेंस के लिए जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे, और जब वो देखेगा कि एक ब्रांड है, इसके पास एक ब्रांड है, मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास इंश्योरेंस ले रहा हूँ जो MDRT कंप्लीट है, MDRT USA कंप्लीट है, तो निश्चित रूप से आपकी बिजनेस पर इसका इफेक्ट होगा और वो लोग आपसे ही ज़्यादातर इंश्योरेंस लेने का प्रयास करेंगे। एक ब्रांड वैल्यू होती है, जिस तरह लोग जब बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों को देखते हैं
तो LIC को ही चूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग LIC को चूज़ करते हैं क्योंकि उसकी एक अपनी ब्रांड वैल्यू है, तो ब्रांड का अपना महत्व होता है। तो जब आप MDRT कंप्लीट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी ब्रांड वैल्यू हो जाएगी और आप मार्केट में अधिक ग्रो कर पाएंगे, आप मार्केट में और अधिक तरक्की कर पाएंगे। तो आप MDRT अचीव करने का प्रयास करें, और इसको MDRT को अचीव करना इतना कठिन भी नहीं है। यदि आप थोड़ा सा परिश्रम करें तो MDRT आसानी से अचीव कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हर एजेंट, हर एडवाइज़र चाहे तो आसानी से MDRT अचीव कर सकता है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा आप, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप इसको अचीव कर सकते हैं। अनंदा जो कि आज हर एजेंट यूज़ कर रहा है, यदि आप अनंदा के द्वारा पॉलिसी करना नहीं जानते हैं तो इसी चैनल के टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस में के ऑप्शन में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर वहां देखें, वहां पे अनंदा के द्वारा पॉलिसी कैसे करेंगे सिखाई गई है। उस वीडियो को आप 2-3 बार देख लें, निश्चित रूप से आप अनंदा के द्वारा पॉलिसी करना सीख जाएंगे। तो आप अनंदा का यूज़ करके यदि हर महीने 6,000 रुपये का भी पॉलिसी करते हैं और यदि आप 35 पॉलिसी कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी। यदि आप 3,000 रुपये मंथली का करते हैं तो आप 75 पॉलिसी कर दीजिए। यदि आप 12,000 रुपये मंथली का करते हैं तो आप 17-18 पॉलिसीज कर दीजिए। तो इस तरह से जब ये आप कंप्लीट करेंगे तो अनंदा का जब ये पॉलिसी करेंगे और मंथली जब आप उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, यानी MDRT आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन अगर इसे आप थोड़ा सा बढ़ाकर करें तो निश्चित रूप से इसमें और ज़्यादा आसानी होगी करने में, और जो भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो फुलफिल हो जाएगी। यानी कि 6,000 रुपये मंथली का अगर आप 38-39 पॉलिसीज़ कर दें, 3,000 मंथली का आप 80 पॉलिसीज़ कर दें, या 12,000 मंथली का आप 20 पॉलिसीज़ कर दें, तो निश्चित रूप से आप MDRT अचीव इजिली कर लेंगे। और ये इतना भी कठिन नहीं है, आप यदि मार्केट में घूमेंगे तो आपके पास यदि 100 या 200 प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है उसमें से 35 या 50 ऐसे लोगों को छांट लें जो 6,000 रुपये मंथली की पॉलिसी कर सकते हैं, और उनको समझा कर आप 6,000 रुपये की मंथली पॉलिसी दें, और जिसका टर्म 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा रखें, तो निश्चित रूप से आप आसानी से MDRT अचीव कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप MDRT के टारगेट ज़रूर लेंगे, और जो भी नए एजेंट हैं या पुराने एजेंट हैं वो MDRT के टारगेट ज़रूर लेंगे, और आने वाले समय में वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक MDRT की टारगेट को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से MDRT की टारगेट फुलफिल करेंगे। आप ये ठान लें कि मुझे करना है तो निश्चित रूप से आप करेंगे। तो आप विजिट करें, लोगों से मिलें, और मिलने के बाद ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जो 6,000 रुपये मंथली की पॉलिसीज कर सकते हैं। 100-200 लोगों की लिस्ट बनाएं, उसमें से 50 अगर ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी MDRT कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।